हम आपको पढ़ाएंगे कि विज्ञान क्या होता है और कक्षा 9th का पहला चैप्टर है पदार्थ और उसकी अवस्थाएं। आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले जान लेते हैं कि विज्ञान क्या होता है। विज्ञान क्या होता है, देखिए विज्ञान दो शब्दों से मिलकर बना है, एक वी और ज्ञान, ठीक है। देखिए वी मतलब विशेष और ज्ञान तो ज्ञान है ही। विज्ञान क्या होता है, किसी वस्तु के क्रमबद्ध ज्ञान को या किसी विशेष ज्ञान को ही विज्ञान कहते हैं। जैसे कि हम हमारे साथ दिन में विज्ञान में इतनी घटनाएं होती है जिस पर हम गौर नहीं करते और हमें उनके बारे में पता भी नहीं होता। जैसे कि उदाहरण के लिए ले लेते हैं कि दिन क्यों होता है, रात क्यों होती है, सूर्य क्यों निकलता है, गर्मी क्यों होती है, सर्दी क्यों होती है, बहुत सारी घटनाएं हैं जिन्हें हम इग्नोर कर देते हैं। ऐसे एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं, जैसे कि हमने कोई वस्तु अपने बल से ऊपर फेंक दी, कोई पदार्थ हमने ऊपर फेंक दिया, वो नीचे ही क्यों आ रहा है, इसका भी तो कुछ कारण है, साइंटिफिक रीजन है ना इसका, कुछ भी ऐसे थोड़े आ रहा है कहीं वो नीचे, ठीक है। इसी प्रकार बहुत सी चीजें हैं जिस पर हम गौर नहीं करते, ठीक है। तो आज हम पढ़ेंगे साइंस, जिस इन्हीं चीजों का पता लगेगा साइंस में आपको, आप साइंस से धीरे धीरे ग्रो करेंगे अपनी कक्षाओं को 9th के बाद 10th 11th 12th, उसके बाद आप सारे विज्ञान के फैक्ट्स पढ़ते चले जाएंगे और आप अपनी कक्षा में अंदर बढ़ते चले जाएंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए विज्ञान के भाग कितने होते हैं, विज्ञान को 3 भागों में विभाजित किया गया है। नंबर 1 रसायन विज्ञान, नंबर 2 भौतिक विज्ञान, नंबर 3 जीव विज्ञान। इसे आप केमिस्ट्री भी कह सकते हैं, इंग्लिश में केमिस्ट्री बोलते हैं आप इसको, इसे फिजिक्स बोलते हैं और इसे बायोलॉजी बोलते हैं, ठीक है। ऐसे ही आज हम शुरू करेंगे कक्षा 9th का चैप्टर का नाम है पदार्थ और उसकी अवस्थाएं, जो कि रसायन विज्ञान के अंतर्गत आता है। कक्षा 9th का पहला ही चैप्टर है, आज हम शुरू करेंगे, ठीक है। सबसे पहले इसमें पढ़ाया जाता है पदार्थ, क्या पढ़ाया जाता है, पदार्थ। सबसे पहली हेडिंग डालनी है आपको पदार्थ। देखिए पदार्थ क्या होता है, ऐसा कुछ भी जो स्थान घेरता है, ठीक है, वह पदार्थ कहलाता है। जैसे कि लिख लीजिए ऐसा कुछ भी जो स्थान घेरता है पदार्थ, स्थान घेरता है वह, जिसमें द्रव्यमान होता है पदार्थ कहलाता है। पदार्थ कहलाता है
और पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, और पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। देखिए एग्जाम्पल में ले लेते हैं, जैसे कि हो गया हमारा किताब, किताब डस्टर। देखिए समझ लीजिए, समझ लीजिए यह कोई स्थान है, मैंने इस पर मार्कर रख दिया, इस मार्कर ने कुछ तो स्थान घेरा है ना, उस स्थान को ही, जो उसने स्थान घेरा है उसे पदार्थ बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद और एग्जांपल ले लीजिए, हमारा हो गया तारे, सूर्य, ग्रह आदि बहुत से एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, उसके बाद आया, देखिए इसमें आया जो स्थान घेरता है कण, कण कणों से मिलकर बना होता है पदार्थ। कैसे बनकर बना होता है? छोटे छोटे कणों से। तो देखिए कणों के गुणधर्म पढ़ेंगे, कणों के गुणधर्म अगली हेडिंग ला देंगे, कणों के गुणधर्म, कणों के गुणधर्म। तीन गुणधर्म होते हैं इसके, देखिए नंबर एक पदार्थ के कणों के बीच, पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान, रिक्त स्थान होता है। ठीक है, दूसरा पदार्थ के कण निरंतर गति करते रहते हैं, पदार्थ के कण निरंतर गति करती रहते हैं। देखिए नंबर तीन पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। ठीक है, देखिए अब हम समझेंगे, सबसे पहले नंबर एक पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है, उसके बाद हेडिंग डालनी है नंबर एक पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान, इसे पढ़ेंगे डिटेल में। देखिए इसे, इसमें क्या होता है, कणों के बीच निरंतर रिक्त स्थान, क्या कहा गया है, कणों के बीच रिक्त स्थान। देखिए हमने कोई पानी का गिलास ले लिया, ठीक है ये हमारा पानी का गिलास हो गया, यहां समझ लेते हैं यह पानी का गिलास हो गया, इसमें हमने पानी भर दिया, हमने यहां तक पानी भर दिया। ठीक है, इसमें हमने कुछ नमक मिला दिया, कुछ भी नमक मिला दी, चीनी मिला दी, तो हमने देखा कि इसने स्थान नहीं घेरा। देखे अगर आपने यहां तक पानी भरा आपने इसमें गिलास में, और आपने इसमें नमक या चीनी मिला दी, थोड़ी वो घोल दी, वो घुल गई, तो हमारा पानी यहीं तक ही रहेगा ना कि बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि जो हमारे पदार्थ हैं, पदार्थ के बीच कणों के बीच कुछ रिक्त स्थान होता है, उन्हीं रिक्त स्थानों के कारण यह
खाली रहता है, भरता नहीं है। ठीक है, जैसे जैसे कि आपने इसमें नमक चीनी डाला तो उसके डालने से यह भरेगा नहीं, इतना ही रहेगा। ठीक है, उसके बाद आपको हेडेक डालनी है। पदार्थ के कण निरंतर गति करते रहते हैं, देखिए आपको बताया है पदार्थ के कण हमेशा निरंतर गति करते रहते हैं, देखो कैसे। पदार्थ के कणों में गतिज ऊर्जा होती है, पदार्थ के कणों में क्या होती है, गतिज ऊर्जा। तापमान बढ़ने पर कणों की गति और तेज हो जाती है, तापमान बढ़ने पर ठीक है गति और तेज और कणों की गति और तेज हो जाती है, क्योंकि गतिज ऊर्जा अधिक हो जाती है। क्यों हो जाती है, क्योंकि गतिज ऊर्जा अधिक हो जाती है। देखिए कणों की गति में परिवर्तन क्या है, सबसे कम कणों की गति में क्या होता है, सबसे कम गति अहम होती है ठोस में, सबसे कम गति अहम होगी ठोस में। और द्रवों में ठोस द्रव गैस आपको अभी आगे इसी लेक्चर में पढ़ाई जाएगी क्या होती है। ठीक है, द्रवों में मध्यम होती है, मतलब ना तो कम होती है ना ज्यादा होती है। ठीक है, और सबसे अधिक गैसों में होती है, कणों में गति सबसे ज्यादा गैसों में होती है। ठीक है, देखिए इसे एग्जांपल समझ लीजिए, गति कैसे होती है। यहाँ एक गिलास हो गया, हमने पानी का गिलास ले लिया, इसमें हमने पानी भर दिया, ठीक है पानी भर दिया, इसमें हमने यहां तक पानी भरा, ठीक है, और इसमें ऊपर से इसमें नीली इंक डाल दी। ठीक है, जब यह इसमें इंक डल गई उसके कुछ समय बाद धीरे धीरे यह इंक फैलने लग जाएगी, यह धीरे धीरे सारे पानी में फैल जाएगी। क्यों फैली, क्योंकि पानी क्या एक पदार्थ है, ठीक है, और पदार्थ में निरंतर गति होती रहती है, मैंने आपको बताया, देखिए निरंतर गति होती रहती है। हमने इसमें एक इंक डाल दी ऊपर से थोड़ी सी पानी में, तो यह पानी में अपने आप फैल गई, आपको आपने इसको ना तो हिलाया ना कुछ किया, ठीक है, यह अपने आप फैल गई ना, तो किसके कारण फैली, कणों में निरंतर गति होती रहती है। ठीक है, उसके बाद पढ़ेंगे नंबर तीन, बताया था मैंने आपको नंबर तीन क्या बताया था, पदार्थ कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। पढ़ेंगे नंबर तीन, पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, क्यों करते हैं, यह थोड़ी देर में पढ़ाऊंगा, उसके बाद अभी पढ़ लीजिए। कणों के बीच आकर्षण बल, देखिए कणों के बीच आकर्षण बल ठोस में कितना होता है, द्रव में कितना होता है, गैस में कितना होता है, यह बताऊंगा। देखिए सबसे अधिक ठोस में होता है, सबसे अधिक किस में होता है, ठोस में, सबसे अधिक कणों के बीच में आकर्षण बल क्या होता है, सबसे अधिक ठोस में होता है। ठीक है, और द्रवों में मध्यम होता है, ना तो ज्यादा होता है और ना ही कम होता है। ठीक है, उसके बाद सबसे कम कहे में होता है गैस में, सबसे कम कहे में होता है गैस में। देखिए अब समझ लीजिए कि पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, कैसे करते हैं, देखिए यह एक नल है पानी का नल है, इसमें पानी प्रवाहित हो रहा है, देखिए ठीक है, मैंने इसमें बीच में कुछ भी लगा दिया, उंगलियां डाल दिया, कुछ भी कर दिया, तो पानी दो छिद्रों में बट जाएगा, देखिए आधा इधर से जाएगा आधा उधर जाएगा, इसके ऊपर थोड़ा ही देखिए ऐसे छिद्र में बट जाएगा, देखिए तो पानी क्या करेगा, देखिए ऐसे बट गया, लेकिन कहीं पर आकर वो ऐसे ही फिर यहीं पर ऐसे ही मिल जाएगा, देखिए तो समझ लीजिए पानी क्या हो रहा है, एक दूसरे को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। ठीक है, इसके कण क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद समझाएंगे पदार्थ की अवस्थाएं, पदार्थ की तीन अवस्थाएं होती है, ठोस द्रव गैस, आइए इनको विस्तार से पढ़ते हैं भाग में, अगले भाग में।